शामली से अम्बाड़ा एक नेशनल हाईवे बन रहा है, उसको बढ़ा के अगर मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली तक लाया जाएगा तो खतौली से आगे फिर मेरठ होते हुए गंगा एक्सप्रेस वे जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आप गोरखपुर और आगे तक जहाँ तक गंगा एक्सप्रेस वे जाता है और हरियाणा के अम्बाड़ा से जुड़ेंगे और आगे जुड़ जाएंगे। तो इस नए हाईवे की घोषणा हुई है, एक नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को आज और मिला है। एक पीना बाईपास हमारा 300 करोड़ रुपए का 10 किलोमीटर का जो बनना है, नए पुल, नया सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण होना है, उसकी घोषणा हुई है। और एनएच पे मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में जो काम अधूरे हैं पुल, उनकी घोषणा आज हुई है। और साथ के साथ सुकरतेल से लेकर और हरियाणा तक एक नया नेशनल हाईवे, उसके बारे में आश्वासित किया है कि इसको हम भारतमाला प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कैसे कामयाब? देखिए, इथेनॉल जो पॉलिसी बनी है वो गडकरी जी की देन है। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का इस पॉलिसी पे मौका मिला है। भविष्य देश का इसी में ही है कि जो हम 8 लाख करोड़ का तेल इम्पोर्ट करते हैं, ये कमी करके किस तरह से पैसा किसानों के पास तक जाए, यही सरकार की सोच है। योजना धरातल पर आ चुकी है, 10% इथेनॉल मिलना हो चुका है, 2025 तक 20% इथेनॉल पे हम जाएंगे। आम जन को अब जब भी चाहे कोई भी इथेनॉल का पंप लगा सकता है, आ चुके हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी, और मुझे लगता है बहुत जल्दी हर शहर में आपको देखने को मिलेगा।